नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। पिछले अंक में आपने जाना कि किस प्रकार वीर अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन के देखते देखते दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण का सिर धड़ से अलग कर दिया। अभिमन्यु द्वारा लक्ष्मण को मारा गया देख सब लोग जोर जोर से हाहाकार करने लगे। अपने प्यारे पुत्र के मारे जाने पर क्षत्रिय शिरोमणि दुर्योधन कुपित हो उठा और क्रोध में आकर समस्त क्षत्रियों से बोला, अहो इस अभिमन्यु को मार डालो, किसी भी कीमत पर मुझे इसकी मृत्यु चाहिए। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्वल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। यह देख अर्जुन कुमार ने अपने पैने बाणों द्वारा उन सबको युद्ध में एक एक करके घायल कर दिया और फिर बड़े वेग से जयद्रथ की विशाल सेना पर धावा किया। उस समय कलिंग देशीय सैनिक निषादगण तथा पराक्रमी क्रात पुत्र इन सब ने कवच धारण करके गजसेना के द्वारा अभिमन्यु का रास्ता रोक दिया। प्रजानाथ, तब वहां अत्यंत निकट से घोर युद्ध होना शुरू हो गया। अर्जुन कुमार ने पैने बाण द्वारा उस दृष्ट गजसेना को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सदागति वायु आकाश में सैकड़ों मेघ मंडलों को छिन्न भिन्न कर देती है। तदनंतर क्रात ने अर्जुन कुमार अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने ही में द्रोण आदि दूसरे महारथी भी पुनः लौट आए। उन सब ने अपने उत्तम अस्त्रों का उपयोग करते हुए सुभद्रा कुमार पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने अपने बाणों द्वारा उन सब का निवारण करके क्रात पुत्र को अधिक पीड़ा दी। फिर उसने असंख्य बाण समूह द्वारा क्रात पुत्र को मार डालने की इच्छा से जल्दी करते हुए उसके धनुष, बाणों और केयूर सहित दोनों भुजाओं, मुकुट, मंडित, मस्तक, छत्र, ध्वज और सारथी सहित रथ तथा घोड़ों को भी मार गिराया। कुल, शील, शास्त्र ज्ञान, बल, कीर्ति तथा अस्त्र बल से संपन्न उस वीर क्रात पुत्र के मारे जाने पर आपकी सेना पर आए सभी शूरवीर सैनिक युद्ध छोड़कर भागने लगे थे। तदनंतर संजय ने कहा, कभी पराजित न होने वाला तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाला तरुण सुभद्रा कुमार अभिमन्यु इस प्रकार जयद्रथ की सेना में प्रवेश करके अपने कुल के अनुरूप पराक्रम का प्रदर्शन कर रहा था और 3 वर्ष की अवस्था वाले अच्छी जाति के बलवान घोड़ों द्वारा मानो आकाश में तैरता हुआ आक्रमण करता था। उस समय किन शूरवीरों ने उसे रोका था? संजय ने कहा, राजन, पांडु कुल नंदन अभिमन्यु ने उस सेना में प्रविष्ट होकर आपके सभी राजाओं को अपने तीखे बाण द्वारा युद्ध में विमुख कर दिया था। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्वल और हार्दिक पुत्र कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। सिंधुराज जयद्रथ पर बहुत बड़ा भार आया देख आपकी सेना ने युधिष्ठिर पर भी धावा किया तथा कुछ अन्य महाबली योद्धाओं ने अपने 4 हाथ के धनुष खींचते हुए वहां सुभद्रा कुमार वीर अभिमन्यु पर बाण रूपी जल की वर्षा आरंभ कर दी। परंतु शूरवीरों का संहार करने वाले अभिमन्यु ने संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण उन समस्त महान धनुर्धरों को रणक्षेत्र में अपने बाण द्वारा स्तब्ध कर दिया। अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने द्रोण को 50, बृहद्वल को 20, कृतवर्मा को 80, कृपाचार्य को 60 और अश्वत्थामा को कान तक खींच छोड़े हुए स्वर्णमय पंखयुक्त महावेगशाली 10 बाण द्वारा घायल कर दिया। अर्जुन कुमार ने शत्रु के मध्य में खड़े हुए कर्ण के कान में पानीदार पैने और उत्तम बाण द्वारा चोट पहुंचाई। कृपाचार्य के 4 घोड़ों तथा उनके 2 पार्श्व रक्षकों को घराशायी करके उनकी छाती में 10 बाण द्वारा प्रहार किया। तदनंतर बलवान अभिमन्यु ने गुरुकुल के कीर्ति बढ़ाने वाले वीर वृंदारक को अपने वीर पुत्रों को देखते देखते मार डाला। तत्पश्चात कौशल नरेश बृहद्वल ने एक बाण द्वारा अभिमन्यु की छाती में चोट पहुंचाई। यह देख अभिमन्यु ने उनके 4 घोड़ों तथा ध्वज, धनुष एवं सारथी को भी पृथ्वी पर मार गिराया। रथहीन होने पर कौशल नरेश ने हाथ में ढाल और तलवार ले ली तथा अभिमन्यु के शरीर से उसके कुंडलयुक्त मस्तक को काट लेने का विचार किया। इतने में ही अभिमन्यु ने एक बाण द्वारा कौशल नरेश राजपुत्र बृहद्वल को हृदय में चोट पहुंचाई। उससे उनका वक्षस्थल विदीर्ण हो गया और वह गिर पड़े। उसके बाद अशुभ वचन बोलने वाले तथा खड़क एवं धनुष धारण करने वाले 10,000 महामनस्वी राजाओं का भी
उसने संहार कर डाला। इस प्रकार महान धनुर्धर अभिमन्यु वृद्वल का वध करके आपके योद्धाओं को अपने बाण रूपी जल की वर्षा से स्तब्ध करता हुआ रण क्षेत्र में विचरने लगा। आशा करता हूं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन भी है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। जय हिंद, जय भारत।